नमस्कार दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही 3 मैचों की T20 सीरीज के 2 मुकाबले हो चुके हैं और अब दोस्तों आखिरी मुकाबला बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से वे बल्लेबाज हैं और गेंदबाज हैं जो इस समय मैन ऑफ द सीरीज की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। तो हम आपको बताएंगे टॉप 7 बल्लेबाज और टॉप 7 गेंदबाज की कौन से इस समय रेस में कौन आगे हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर टॉप 7 गेंदबाजों की। तो गेंदबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर बने हुए हैं भारतीय टीम के दीपक चहर। दीपक चहर ने अब तक 2 विकेट चटकाए और वो नंबर 1 है। वहीं पर नंबर 2 पर तबरेज शमसी हैं जिन्होंने 1 विकेट चटकाया है। इसके बाद नंबर 3 पर एंडिलो फेलकुआयो हैं, इनके भी 1 विकेट है। 4 पर रविंद्र जडेजा है, इन्होंने भी 1 विकेट चटकाया। 5 पर हार्दिक पांड्या, इनके भी 1 विकेट है। 6 पर बिजोन फार्तून है, इनके भी 1 विकेट। और 7वें नंबर पर मौजूद है नवदीप सैनी जिनके भी 1 विकेट हैं। यानी कि अभी भी नंबर 1 पर हैं भारतीय टीम के दीपक चहर और ये आखिरी मैच में शानदार गेंदबाजी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों अब टॉप 7 बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 1 पर मौजूद है भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली जिन्होंने 72 रनों की शानदार पारी खेली थी। वहीं पर नंबर 2 पर क्विंटन डी कॉक है जिन्होंने भी 52 रन बनाए थे। 3 पर टेम्बा बाउमा है 49 के साथ। 4 पर शिखर धवन है 40 के साथ। 5 पर डेविड मिलर 18। 6 पर शरेश अय्यर 16 और 7 पर रोहित शर्मा मौजूद है 12। यानी कि दोनों टीमों के कप्तान इस समय टॉप पर है। नंबर 1 पर विराट कोहली है तो नंबर 2 पर है यहाँ पर क्विंटन डी कॉक। यानी कि दोनों शानदार फॉर्म में इस समय दोनों कप्तान और उम्मीद है कि अच्छी सारियाँ खेलेंगे आखिरी T20 में। तो दोस्तों आपके हिसाब से इस सीरीज में कौन मैन ऑफ द सीरीज बन सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।